सेवैयां उपमा बनाने के लिए एक कप सेवैयां लेके मैं ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसको फ्लेम ऑन कर चुकी हूँ, इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये हल्का ब्राउन हो गए हैं, अब इसको साइड में रख लेंगे। देखिए एक कढ़ाई रख के फ्लेम ऑन कर चुकी हूँ, इसमें तेल ऐड कर लेंगे। इसमें 3 टीस्पून तेल ऐड कर रही हूँ मैं। ये गर्म होने के बाद थोड़ा सा राई ऐड कर लेंगे इसमें, इसको फूटने देंगे। देखिए राई फूट चुके हैं, इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज कट करके रख ली हूँ, थोड़ा करी पत्ता, 1-4 हरी मिर्च कट करके रख ली, इसको भी ऐड कर देंगे। देखिए प्याज को जब तक हल्की ब्राउन ना हो जाए जब तक इसको अच्छे से तल लेंगे हम। देखिए हल्की गुलाबी कलर आ चुकी है, इसमें 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी 1 मिनट के लिए अच्छे से तल लेंगे। 1 मिनट तल जाने के बाद इसमें पानी ऐड कर लेंगे, जिस कप से सेवैयां लिए थे उस कप से 2 कप पानी ऐड कर लेंगे हम। मैं 1 कप सेवैयां ले रही तो अभी 2 कप पानी ले रही हूँ। देखिए पानी डाल चुकी हूँ, इसमें नमक ऐड कर लेंगे। अभी अपने हिसाब से आप नमक ऐड कर लीजिए, मैं 1 टीस्पून नमक अभी इसमें ऐड कर रही हूँ। रख के इसमें उबाल आने देंगे। देखिए इसमें उबाल आ चुका है, अभी हम इसमें ये जो भुने हुए सेवैयां ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। देखिए पकते समय थोड़ा धनिया पत्ता भी ऐड कर देंगे इसमें, ऐड करके इसको अच्छे से एक बार मिक्स करके ढक के 1 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए 1 मिनट पकने के बाद ये इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके आप नमक चेक कर लीजिएगा इस टाइम पे, या कमियाँ हो तो आप थोड़ा ऐड कर सकते हो। देखिए अंडा इसमें ऐड कर रही हूँ मैं इस जगह पे 2 अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ इतने सेवैयों को। आप चाहे तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ऐड करने के बाद इसको ढक के 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। ये 2 मिनट पकने के बाद देखिए इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से मिक्स करके और दम पे छोड़ देंगे इसको, कम से कम ढक के 5 मिनट तक लो फ्लेम में दम पे छोड़ देंगे इसको। देखिए 5 मिनट होने के बाद ये अच्छे से दम भी हो गया है और बन के तैयार भी है। कितना आसान ब्रेकफास्ट बन के तैयार है, अब इसको सर्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों मैं सर्व कर चुकी हूँ, आप इसको अचार के साथ खा सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।